हेलो स्टूडेंट्स मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार सहायक आचार्य समाजशास्त्र राजकीय कला महाविद्यालय शिकर आज हम जो आपके सिलेबस में एक प्रमुख विचारक है प्रोफेसर गोविंद सदाशिव गुरिये यानी जी एस उनके बारे में जानेंगे और इनके जो दो विचार हैं आपके सिलेबस में उन विचारों के बारे में तो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा लेकिन एक साधारण परिचय मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ गोविंद सदाशिव गुरिये को हम भारतीय समाजशास्त्र के पिता के रूप में जाने जाते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि समाजशास्त्र के पिता ऑगस्ट कॉम्त थे जिन्होंने अठारह में समाजशास्त्र को एक नए विषय के रूप में प्रारंभ किया था और भारत में समाजशास्त्र का प्रारंभ बंबई विश्वविद्यालय में 1919 में हुआ था और यहाँ पर समाजशास्त्र के पिता के रूप में जी एस गुड़िये को जाना जाता है जी एस गुरिये से पूर्व समाजशास्त्र में पैट्रिक गेट्स का नाम आता था लेकिन उनके पश्चात जब जी एस गुड़िये बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष बने तो उन्होंने समाजशास्त्र विषय को आगे बढ़ाया उनके प्रयासों से ही उन्नीस में इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी यानी आईएसएस की स्थापना हुई और उन्होंने एक पुस्तक का प्रकाशन भी प्रारंभ किया एक जो बुलेटिन है उसका भी प्रारंभ किया जिसे सोशियोलॉजिकल बुलेटिन कहा जाता है वो उनके नेतृत्व में ही प्रकाशित हुई गुरिये का जन्म अठारह में महाराष्ट्र में हुआ था और उनका निधन उन्नीस में हुआ बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के वे प्रथम विद्वान थे उन्होंने भारत में जाति और प्रजाति इस विषय पर पीएचडी किया था उनके जो गाइड थे यानी जिनके नेतृत्व में उन्होंने पीएचडी किया वे प्रोफेसर रिवर्स थे गुरे ने 1932 में पीएचडी की थी 1932 में लेकिन पीएचडी के करने के दौरान ही प्रोफेसर रिवर्स की मृत्यु हो गई इसलिए उन्होंने पीएचडी का शेष कार्य प्रोफेसर हेडन के नेतृत्व में किया गुरे का जो जैसे मैंने बताया उनका जो शोध का विषय भारत में जाति और प्रजाति यानी कास्ट एंड ड्रेसेज इन इंडिया इनका टॉपिक था जो बाद में एक पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित हुआ गुरिये ने कई विषयों पर शोध कार्य किया उनमें से एक प्रमुख विषय साधुओं पर है उन्होंने भारतीय साधुओं का अध्ययन किया उनके जीवन वो कैसे रहते हैं और भारतीय समाज को उनसे क्या फायदा है इन सब विषयों को उन्होंने अपने शोध के अंदर खोजने का प्रयास किया इसके अलावा कला नृत्य वेशभूषा देवी देवताओं विवाह और प्रजाति इन सब का उन्होंने अपने शोध में शामिल किया और इनके विभिन्न परिप्रेक्ष्य से हमें परिचित कराया गुरे ने अनेक पुस्तकों की रचना की और उन्होंने कुछ क्षेत्रीय कार्य भी किए फील्ड वर्क भी किए उन्होंने महाराष्ट्र की जो कोली जनजाति है उन लोगों का फील्ड यानि क्षेत्रीय अध्ययन किया फील्ड स्टडी की और उन्होंने उनके अध्ययन के आधार पर एक पुस्तक की भी रचना की द महादेव कोलीज़ महादेव कोलीज़ इसी जनजाति के अध्ययन पर आधारित एक पुस्तक है गोविंद सदाशिव गुरिये की सबसे प्रमुख पुस्तक जो आपके सिलेबस में भी है और आपके सिलेबस में जो टॉपिक जुड़े हुए हैं उनसे जुड़ी हुई पुस्तक जो है वो है कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन यहाँ जो तीन नंबर पर पुस्तक दिखाई जा रही है कास्ट क्लास एंड ऑक्युपेशन जिसे हिंदी में हम कह सकते हैं जाति वर्ग और व्यवसाय जाति वर्ग और व्यवसाय सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक है इसी पुस्तक में उन्होंने अपनी जाति संबंधी जितने भी विचार हैं वो इसमें दिए हैं तो आपको ये पुस्तक जो है उसको उसका नाम याद रखना चाहिए इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य से अध्ययन किया तो इस संबंध में बताना चाहता हूँ कि जी एस गोरिया ने जब जाति का अध्ययन किया तो भारत शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य यानी इंडोलॉजिकल अप्रोच का प्रयोग किया इंडोलॉजिकल अप्रोच का मतलब ये होता है कि उन्होंने जाति का अध्ययन भारतीय दृष्टि से भारत में इसको भारतीय विशिष्ट संस्था मानते हुए इसका अध्ययन किया और इसकी उत्पत्ति इसके प्रकार्य इसका महत्व यानी इम्पोर्टेंस ओरिजिन उत्पत्ति इन सब को उन्होंने भारतीय संस्कृति में ही ढूंढने का प्रयास किया भारतीय साहित्य में ढूंढने का प्रयास किया इसी कारण से उन्हें भारत शास्त्रीय विद्वान भी कहा जाता है इनका जो परिप्रेक्ष्य था वो भारत शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य था उन्होंने भारतीय दृष्टि से भारतीय संदर्भ में जाति को समझने के लिए ऋग्वेद मनुस्मृति उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथ इन सब का सहारा लिया इस प्रकार जी एस गुरिये को एक राष्ट्रवादी विचारक के रूप में माना जाता है जिन्होंने भारतीय संस्कृति के अनुसार भारतीय समाज का अध्ययन किया और उसी के आधार पर उसका अपना विश्लेषण प्रस्तुत किया तो आज की क्लास में हम केवल गोविंद सदाशिव गुरिये के से ही परिचय कराना में मचा रहा था तो ध्यान रहे भारतीय समाजशास्त्र के पिता के रूप में जाने जाते हैं इन्होंने कई पुस्तकों की रचना की जिनमें से एक प्रमुख पुस्तक कास्ट क्लास एंड ऑक्युपेशन जो आपके सिलेबस में है उसको आपको याद रखना है इन्होंने महादेव कोली जनजाति के लोगों का अध्ययन किया ये महाराष्ट्र में रहने वाली जनजाति है और इसी आधार पर एक पुस्तक की रचना की दे महादेव कोलीज़ इसके अलावा उनकी कुछ पुस्तकें और हैं द कास्ट कास्ट एंड रेसेज इन इंडिया द सो शो कार फ्यूचर सिटीज एंड सिविलाइजेशन द महादेव कॉलेज एंड सोशल टेंशन इन इंडिया एक बार और, और रिपीट कर देता हूँ कि उनका जन्म अठारह में हुआ था उन्नीस में उनका निधन हो गया और वे समास्तर विभाग के प्रथम भारतीय विद्वान थे उन्होंने इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना उन्नीस में की थी तो ये उनके जीवन के बारे में कुछ सामान्य तथ्य हैं जिनको हमने हमें जानना चाहिए और अब हम जो इनके हमारे सलेब, सिलेबस में जो इनके से इनसे जुड़े दो टॉपिक है उनके बारे में मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा तो अगली स्लाइड में हम जाति व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि जाति व्यवस्था के बारे में जी एस ने अपने क्या विचार दिए हैं तो आप एक बार इन इन जो गुरिये से जुड़े हुए फैक्ट्स हैं इनको जान लें और उसके बाद में हम जाति के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद